छोटी काशी मंडी में स्थित प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर के परिसर के सभागार में पूर्व विवेकानंद सरस्वती की तृतीय पूज्य तिथि के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। प्राचीन भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में पूर्व महंत ब्रह्मकालीन 108 महंत विवेकानंद सरस्वती की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं और साधु संतों ने भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि पूर्व महंत विवेकानंद सरस्वती ने प्राचीन भूतनाथ मंदिर में लगभग 70 वर्षों तक महंत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और 95 वर्ष की उम्र से ज्यादा उनका भारी पूरा हुआ। उप तहसील गंगत के सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पर स्कूल में जमकर हंगामा भी हुआ। स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आरोपों के बाद शिक्षक को दौरा भी पड़ा है और उसे नूरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्राओं ने स्कूल के फिजिक्स टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से टीचर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। अब हिम्मत जुटाकर छात्राओं और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक लैब में बुलाकर किस और हग करने का दबाव डालता है और असेसमेंट के ज्यादा नंबर लगाने की बात करता था। ऐसा न करने पर आरोपी कम नंबर लगाने की धमकी देता है। बच्चे स्कूल में धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण है। हंगामे के बाद गंगत पुलिस चौकी की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने सारे मामले पर संज्ञान लिया और उनकी ओर से गठित टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की गई है। मैंने अभी आपके सामने विचार रखे हैं कि मुझे विभाग की तरफ से भेजा गया है और कहा गया कि वहाँ पे जाकर के फाइंड आउट करिए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ जो वो करेगा। अभी क्या कार्रवाई की है? अभी हमने FIR जो वो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कर देंगे और उसकी एक मेल की कॉपी जो है वो अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेज दी जाएगी। ASI पवन कुमार ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे नूरपुर के DSP साहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि की है। माहौल को कुछ बाहरी तत्वों ने उकसाने का प्रयास कर वहां मौजूद पत्रकारों को धमकाया तथा पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की। इस बारे DSP नूरपुर साहिल अरोड़ा ने उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा जोखिमों को कम करने के लिए जन जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करके प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंडी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को संवेदनशील बनाने और आपदा के समय बचाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर उन्हें शिक्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सेरी मंच पर समर्थ अभियान के तहत आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सर्व आपदा रक्षक स्कूली बच्चों NSS व NCC के छात्रों को रैली की हरी झंडी देकर रवाना किया। जागरूकता रैली सैरी मंच से चौहाटा बाजार होते हुए पूरे मंडी शहर में निकालेगी और लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंडी जिले में आपदा जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता अभियान के तहत 11 से 23 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान चलाया गया।
उन्होंने कहा कि आपदा भूकंप की हो या किसी अन्य प्रकार की, यदि लोग जागरूक होंगे तो आपदा से होने वाले जान व माल को नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। इस दौरान लोगों को आपदा प्रबंधन व भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने व सचेत रहने के बारे में जागरूक करने के लिए जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिला मुख्यालय के साथ साथ समस्त उपमंडलों में भी सभी स्कूली बच्चों तथा व्यापार मंडलों व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम व रैलियां आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से चलाए गए फोक मीडिया जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। फोक मीडिया के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक, गीत व संगीत के माध्यम से लोगों को आपदा के समय सुरक्षा के उपाय व आपदा के न्यूनीकरण के बारे में जागरूक किया। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर व पोस्टर लगाने के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन प्रचार सामग्री वितरित करके भी लोगों में जागृति लाने के लिए प्रयास किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, उपमंडलाधिकारी सदर निवेता नेगी, कार्यकारी जिला राजस्व अधिकारी जसपाल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओम प्रकाश भाटिया आदि सर्व आपदा रक्षक उपस्थित थे।